उदयपुर की घंटाघर पुलिस ने दो दिन पूर्व ज्वेलरी की शॉप पर हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना क्षेत्र के मोती चोट्टा इलाके में स्थित मिलन ज्वेलर्स पर इन पांचों ही आरोपियों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हुए 500 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया था। इसके बाद इस वारदात को खोलने के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन करने के पश्चात अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। इस दौरान पुलिस को क्षेत्र में अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से मिली मदद के आधार इस वारदात को खोलने में सफलता मिली। घंटाघर पुलिस ने इन पांचों ही आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। वारदात का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सिटी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि सीसीटीवी में कैद हुए संध गद के हुलिये और पूर्व में मिलन ज्वेलर्स पर काम कर चुके लोगों तक पहुंचने के लिए राजसमंद के केलवाड़ा पहुंची। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सोहन सिंह नाम के शख्स को नामजद कर लिया था। पुलिस को केलवाड़ा पहुंचने पर यह जानकारी सामने आई कि यह लोग सूरत में भी काम करते हैं। घंटाघर पुलिस द्वारा जब केलवाड़ा के लोगों से इन सभी आरोपियों के लिए जानकारी जुटाई गई तो तत्काल ही सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सोहन सिंह के साथ हजारी नाम का शख्स भी था जो कि पूरे षड्यंत्र मास्टरमाइंड है। इसके बाद पुलिस ने अपनी टीमों को 8 जुलाई को यहां पे घंटाघर थाना क्षेत्र में मिलन ज्वेलर्स के यहां पे एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी और शाम के समय का ये समय था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसमें डिप्टी एसपी वेस्ट, एसएचओ घंटाघर, घंटाघर थाने के जो स्पेशल सेल है, ये हमारे जिले की जो स्पेशल सेल है, उन सभी को इस कार्य के लिए लगाया गया था और सीसीटीवी कैमरों का उसमें अध्ययन किया गया था, टेक्निकल अध्ययन का भी इसमें समावेश किया गया था और साइबर सेल को भी इसमें काम में लिया गया था। सीसीटीवी में घटना कारित करने के बाद में जैसा आप सबको पता ही है, वो वीडियो वगैरह भी आप सभी ने वायरल भी हुए थे, उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, उसमें जो शख्स नज़र आ रहा था उसमें स्पेशल टीमों ने पूर्व में हुई वारदातों का अध्ययन किया था। उसमें शक के आधार पर टीम जो है राजसमंद जिले में केलवाड़ा में दो तीन जो गांव है वहां पे इस गांव के लोग यहां पे इस मिलन ज्वेलर्स के यहाँ काम किए हुए हैं। स्पेशल टीम वहाँ पहुँची थी और शक के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस आरोपी को नामजद किया गया था। ये सोहन सिंह नाम का शख्स था। इसके आधार पर टीम आगे बढ़ी और इनकी तलाश में ये पता चला कि ये लोग सूरत वगैरह में भी काम करते हैं। स्पेशल टीम को उसी रात को आगे सूरत के लिए मूव कर दिया गया था और उनकी इमदाद के लिए दो टीमें और भी भेजी गई थी। वहीं पे पूछताछ पे टीम में जिसमें घनश्याम सिंह जी एएसआई प्रभारी थे, चंद्रभान और स्पेशल सेल के लड़के भी उसमें शामिल थे कॉन्स्टेबल्स, उन्होंने वहाँ आगे पता किया कि इस घटना में किशन सिंह, सोहन सिंह और तो दूसरा शख्स था घटना के अंदर जिसने अंदर दोनों ने जाकर के ताले तोड़े थे और ये माल बाहर निकालना था, वो किशन सिंह नाम का शख्स था। और इस पूरी घटना का कॉन्स्पिरेटर और दिमाग लगाने वाला हजारी भील नाम का शख्स था। ये सभी उधर केलवाड़ा थाना क्षेत्र में चदाना की भागल और कोठी की भागल क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन लोगों ने वहाँ जाकर के इनका सहयोग करने में, इनके छुपने में वहाँ पे एक हजारी सिंह